नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं सुर असुर नरपति वंद्यने प्रविनाष्ट गाति कर्मने प्रणमन करूं धर्म करता तीर्थ श्री महावीर ने। ग्रंथाधिराज प्रवचन सार विराजमान है। ये बंद है? हेलो हेलो, ये बंद है माइक? हाँ, ये निकल गया है इसलिए मैं। प्रवचन सार ग्रंथाराज विराजमान है। आपकी 11 नंबर की गाथा माने 10 नंबर की गाथा चल रही है, बराबर है ना? 11 वाली 11 चल रही है। प्रवचन सार ग्रंथाधिराज गुरुदेव जी की भाषा में कहे, प्रवचन माने भगवान की दिव्य ध्वनि, प्रदान आवाज पहली गाथा में लिया है। प्रवचन अपन जो करते वो प्रवचन नहीं कहलाता, स्वाध्याय कहलाता है। जो वितराग सर्वज्ञ होते हैं उनके मुख माने जो दिव्य ध्वनि खिलती है, वास्तव में प्रवचन तो वो है। ये गुरुदेव के प्रवचन में पहले प्रवचन में है और उसका सार, भगवान की दिव्य ध्वनि का सार, उसका नाम प्रवचन सार। एक्चुअल में समय सार मुमुक्षु को प्रिय है, होना भी चाहिए, लेकिन समय सार में एंटर करने होने से पहले प्रवचन का सार का स्वाध्याय होना कंपलसरी है, क्योंकि उसके बिना द्रव्य गुण पर्याय की जो स्वरूप है, उसकी बॉडी है, उसका स्ट्रक्चर है, वो अपन को जब तक पूरा मालूम नहीं होगा तब तक समय सार में प्रवेश तो होगा लेकिन भाव भाषण नहीं होगा, कुछ उल्टा ही ग्रहण करेंगे। उसमें अपन 23 नंबर की गाथा है, इसमें 21 गाथा से 52 गाथा का अधिकार, पहली 12 गाथा में पिठी का, 13 से 20 में शुद्धोपयोग की बात, 21 से 52 में ज्ञान प्रपंच अधिकार, 53 से 68 गाथा तक सुख अधिकार और 69 से 92 शुभ परिणाम अधिकार। ऐसे 92 गाथा का पहले ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है। उसमें 21 से 52 गाथा तक जो 32 गाथा का अधिकार है, उसका नाम है ज्ञान प्रपंच अधिकार, माने केवल ज्ञान का स्वरूप कैसा है, केवल ज्ञान का स्वरूप कैसा है ये बताया है। खाली केवल ज्ञान का स्वरूप कैसा है ये तो बताया ही है, लेकिन इतना ही नहीं बताना है, साथ में ये बताना है कि केवल ज्ञान तो भगवान को व्यक्त हुआ है, तेरा स्वभाव भी वैसा ही है, एक कारण एक कार्य, एक कारण एक कार्य। भगवान को जो केवल ज्ञान पूर्ण प्रकट हो गया वो है कार्य, वो है कार्य। तो जहां कार्य होता है वहां नियम से कारण विद्यमान होता है, एक बात, और दूसरी बात, जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। माने कार्य कार्य हुआ ना तो कारण भी कैसा होगा, कारण भी कैसा होगा वैसा ही होगा, ये अपन को भरोसा होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ वो वाटरमेलन क्या बोलते हैं आप, तरबूज क्या बोलते हैं,
हाँ वो ठेले में बेचने आता है 50-100 लेके निकलता है, तो वहाँ हमारे गुजरात में कैसा बोलते हैं, हमारे गुजरात आ गया, वहाँ कैसा होता है पंडित साहब कि 2-3 वाटरमेलन को थोड़ा पीस काट के उल्टा करके ऊपर खड़ा रखता है, लाल बाग रिवर ऐसे रखता है खुला है, अरे ऐसा रखता है ना बराबर। अभी आपने ऊपर का भाग ओपन पीस देखा तो आपको भरोसा होता है क्लोज पीस भी वैसा ही होता है, ऐसा भरोसा होता है कि नहीं होता है? ओपन पीस को देखकर क्लोज पीस का भरोसा आता है कि नहीं आता है कि अंदर जो अभी कटा नहीं है वो पीस भी डॉक्टर साहब वो पीस भी वैसा ही है? ऐसे 21 से 52 गाथा में केवल ज्ञान ओपन करके बताया है, केवल ज्ञान ओपन करके बताया है, तो अपन को भरोसा होना चाहिए ओपन पीस देखकर कि अंदर जो क्लोज पीस मेरा ज्ञान स्वभाव है वो भी, अरे बोलो वो भी ऐसा ही है, ये बताना है एक ज्ञान अधिकार में। इसके 23 नंबर की गाथा अपन निकाले, आधे घंटे का टाइम है तो अपन वो ही गाथा लेते हैं, ऐसे तो पूरे समझो प्रवचन सार में कहीं से भी आप लो कुछ ना कुछ आपको माल ज्ञान स्वभाव का मिलेगा। आगे गाथा 23 नंबर, हाँ देखो, अब आत्मा का ज्ञान प्रमाण पना और ज्ञान का सर्वगत पना उद्योत करते हैं, समझना ध्यान से थोड़ा। 32 गाथा का अधिकार है आपको, 92 गाथा याद करनी है सिंपल है, 8 उसमें 8 16 24 32 वो गिनो तो आपका 92 गाथा अधिकार हो जाएगा, सब ऐसे 8 के डिवीजन में है, 8 16 32 माने ये तुम्हारा ज्ञान अधिकार पूरा हो गया। ये 32 गाथा का ज्ञान प्रपंच अधिकार, उसमें पहली दो गाथा में सुनना ध्यान से, 21 और 22 गाथा में ज्ञान का प्रत्यक्षपना बताया, माने ज्ञान प्रत्यक्ष है परोक्ष नहीं, जैसा अपना मतिश्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है भगवान का ज्ञान परोक्ष नहीं है, भगवान का ज्ञान कैसा है केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, पहली दो गाथा में बताया। फिर 5 गाथा में 23 24 25 26 27 उसमें ज्ञान का सर्वगतपना बनाया, क्या बताया ज्ञान का सर्व, जानने की अपेक्षा ज्ञान सर्वगत है, प्रदर्शी की अपेक्षा नहीं जानने की अपेक्षा। फिर 5 गाथा में ज्ञान और ज्ञेय का परस्पर गमन निषेध, माने ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ज्ञेय ज्ञान जानने में आते हैं फिर भी ज्ञेय ज्ञान में नहीं जाता और ज्ञान ज्ञेय में नहीं आते, ये 5 गाथा में बताया। फिर 4 गाथा में 32 से 36 4 गाथा में केवली केवली भगवान और श्रुत केवली दोनों का कंपेयर माने दोनों समान है, केवली और श्रुत केवली दोनों समान है। फिर 5 गाथा में 37 38 39 40 41 5 गाथा में ज्ञान वर्तमान एक समय का वर्तमान ज्ञान भी सर्वज्ञ है, क्या बोला वर्तमान ज्ञान कितने समय का एक समय मा माने वर्तमान ज्ञान भी वर्तमान भी सर्वज्ञ है। फिर 5 गाथा में बंध का कारण राग है ज्ञान नहीं है ये बताया। और अंतिम 6 गाथा में फिर से केवल ज्ञान की सिद्धि की। ऐसे 32 गाथा का एक ज्ञान प्रपंच अधिकार है, उसमें जो 5 गाथा है कि ज्ञान सर्वगत है, क्या बोला ज्ञान सर्वगत माने भगवान का ज्ञान सब फैल चुका है, पूरे लोकालोक में फैल चुका है, फैल चुका है माने जानने की अपेक्षा फैला है, प्रदूषण की अपेक्षा नहीं। इसमें दृष्टांत दिया है, कोई लोग बोलते हैं घर में जाए मारी आंख बदे फरी बड़े, क्या बोलते हैं आप हिंदी में इसको, मैं जाता हूँ दुकान पे माने 3 मंजिल की दुकान है मारी आंख बदे फरी बड़े, तो आंख फरी बड़े माने आंख यहां से निकल के सब जगह जाती है, बोल भैया हाँ आंख जाती है सब जगह लेकिन मेरी निगाह से कुछ बाकी नहीं रहता। ऐसे भगवान के ज्ञान में सर्वगत माने भगवान के जानने में कुछ बाकी नहीं है, फिर भी भगवान का ज्ञान आत्मगत है, जानने की अपेक्षा से सर्वगत और प्रदेश की अपेक्षा से आत्मगत, ये 5 गाथा का विषय है, क्या बोला जानने की अपेक्षा से सर्वगत लेकिन रहता कहां है ज्ञान ज्ञान में रहता है, तो जान प्रदेश की अपेक्षा से ज्ञान आत्मगत और जानने की अपेक्षा से सर्वगत, ये विषय अपना 5 गाथा में। उसमें पहली गाथा 23 अपन पढ़ते हैं,
सभी हाथ जोड़ लें, हमारा नियम है ये। हाथ मानी जब भी पाठ करेंगे गाथा का, मैं आपको बुलाऊंगा, आपको करना है। आदानान पमानम, आदानान पमानम, नानम नेयम पमानम दिट्टम, नेयम लोया लोयम, तम्हानानं तु सौवगयम्, तम्हानानं सु सौवगयम्। इसलिए ज्ञान को सर्वगत कहने में आता है। क्यों? अभी पहला पद आदानान पमानम, आदा माने आत्मा, आदा माने आत्मा, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। आत्मा कैसा है? गुरुदेव जी के प्रवचन बहुत अच्छी बात ली है, आत्मा ज्ञान प्रमाण है ऐसा लिखा है। आत्मा राग प्रमाण है, आत्मा शरीर प्रमाण है, आत्मा क्षयूप सम प्रमाण है, ऐसा नहीं लिखा। आत्मा किस प्रमाण है? ज्ञान प्रमाण। वहां गुरुदेव जी ने दृष्टांत दिया है। इसकी गाथा में 79 वाले प्रवचन है, उसमें पहले प्रवचन में 23 गाथा के प्रवचन में लिखा है, जैसे एक लकड़ी है बराबर, उसमें आग लगी है, पूरी माने जल एकदम अग्निमय हो गई लकड़ी बराबर, जैसे इतना पीस है लकड़ी का, पूरे में आग लग, पूरी आग में है। तो आग कितनी? आग के जितनी उष्णता है उतनी आग बराबर, जितनी उष्णता है उतनी आग है। अभी वो लकड़ी के ऊपर आग लग गई तो ऊपर जो ऐश होती है ना, क्या बोलते हैं राख, क्या बोलते हैं आप? राख ही बोलते हैं। अच्छा, तो बहुत बढ़िया, तो गुजराती शब्द है। तो राख है, वही लकड़ी के ऊपर राख है, लेकिन अग्नि राख प्रमाण नहीं है। अग्नि वो लकड़ी के ऊपर ही है राख, फिर भी अग्नि राख प्रमाण नहीं है, अग्नि उष्णता प्रमाण है। ऐसे आपने पर्याय में, भले पर्याय में राग हो, लेकिन राग प्रमाण आत्मा नहीं है। आत्मा कितने प्रमाण? जितना ज्ञान उतना आत्मा। इसमें समय सार में 206 नंबर की गाथा, लगभग 206 नंबर की गाथा होगी, उसमें लिखा है, जेटलो अनुभवी आत्मा जेटलुआ ज्ञान। 206 नंबर की है मेरे ख्याल से। हाँ, आत्मा कितना? जितना अनुभव करने आत्मा कितना के जितना ज्ञान, जितना ज्ञान। हाँ देखो, इसमें ये नाखून है ना और ये बाल, दोनों शरीर में से, माने दृष्टांत में शरीर में से आते हैं ना, शरीर में से आते हैं ना, बाहर से आते हैं, शरीर में से आते हैं। बहुत अच्छा। ये उंगली बड़ी होती है, ये भी शरीर का पार्ट है, ये भी शरीर का पार्ट है, ये नाखून भी शरीर का पार्ट है, ये बाल भी शरीर का पार्ट है। अपन बाल कटवाते हैं, कोई रोता है? रोता है? नहीं रोता है। और उंगली काटे तो? अरे दोनों शरीर का पार्ट है। बोलो राजकुमार जी, क्यों ऐसा होता है? बोलो डॉक्टर साहब। ये उंगली भी शरीर का पार्ट है, नाखून भी शरीर का पार्ट है, बाल भी शरीर का पार्ट है, और बाल कटवाने बैठते हैं कोई रोने नहीं लगता, और बाल काटते काटते कान कट जाए तो रोता है। क्यों? क्यों? ये बाल शरीर पर होने पर भी शरीर का पार्ट नहीं है, और जितने भी जितने प्रदेशों में शरीर माने वो है ना, उस शरीर का पार्ट है। ऐसे पर्याय में ज्ञान भी है और पर्याय, अपनी बात करते हैं, भगवान की बात नहीं करते हैं, पर्याय में ज्ञान भी है और पर्याय में राग भी है। तो आत्मा कितना प्रमाण? अरे बोलो कितना? राग तो है पर्याय में, लेकिन आत्मा राग प्रमाण नहीं है। मोक्षा प्रकाशक के दूसरे अधिकार में 6वें नंबर का टॉपिक है नवीन कर्मबंध विचार। वहां बहुत अच्छी बात ली है, घड़ी हाँ, पर्याय में ज्ञान है और पर्याय में राग है, बराबर है कि नहीं है? अभी अपन जीवन सुनने का भाव है कि नहीं है? है। और वो राग हुआ ऐसा ज्ञान भी उस टाइम है कि नहीं है? अरे बोलो है कि नहीं है? है। बराबर, ज्ञान भी है राग भी है। अभी राग में कर्म का उदय निमित्त है, बराबर है? मोनी कर्म का उदय निमित्त है कि नहीं है? है। अच्छा, ज्ञान जितना प्रकट है तो ज्ञानवाणी कर्म का क्षयूप सा निमित्त है कि नहीं है?
अरे है कि नहीं है? है। तो दोनों जीव की पर्याय में एक बात, और दोनों में कर्म निमित है, एक में उदय निमित है, एक में क्षय उपशम निमित है। तो एक को स्वभाव का, ज्ञान को स्वभाव का अंश कहा, और राग को औदयिक भाव का, विभाव भाव कहा, उपाधि भाव कहा, ऐसा क्यों? वहां प्रश्न किया है। ऐसा समझ में आता है? दो पर्याय ली मैंने भैया, कौन कौन से? एक ज्ञान और एक राग। ज्ञान और राग, ज्ञान भी जीव की पर्याय में है, राग भी जीव की पर्याय में है, बराबर। राग में मोहनी कर्म का उदय निमित है, ज्ञान में ज्ञानवाणी कर्म का क्षयोपशम निमित है। अभी उदय और क्षयोपशम को गौण करो तो दोनों में कर्म तो निमित है, अरे है कि नहीं है? है। और दोनों जीव की पर्याय में होते हैं। जो दोनों पर्याय जीव की पर्याय में है, दोनों कर्म निमित है, दोनों में कर्म निमित है, तो एक को स्वभाव का अंश कहा, ज्ञान को स्वभाव का अंश कहा, और राग को उपाधि भाव कहा, ऐसा क्यों? ये प्रश्न वहां मोक्षा प्रकाशक के दूसरे अधिकार में नवीन कर्मबंध विचार में लिया। पंडित जी इतना समाधान बढ़िया किया है वहां, समझना। ये राग में कौन निमित्त था? राग में कौन निमित्त था? मोहनी कर्म का निमित्त, बराबर। अभी मोहनी कर्म का क्षय हो गया, मोहनी कर्म निकल गया, तो राग रहेगा? रहेगा नहीं? रहेगा, निकल जाएगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अभी ज्ञानावाणी कर्म का क्षय हो गया, जैसे मोहनी कर्म का क्षय हो गया तो राग निकल गया, ऐसे ज्ञानावाणी कर्म का क्षय हो गया तो ज्ञान भी निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो वहां लिखा वो निकल जाता है ना, इसलिए उपाधिक भाव, और ज्ञान कभी निकलता नहीं है, इसलिए वो स्वभाव का अंश है। और यहां आत्मा कितना? हमारा त्या गुजराती में कहवत है, मामानु घर केटले दीवो बड़े एटले। आपके यहां ऐसी कहावत है कोई? हमारे यहां कहावत है मामानु घर केटले, कि मामा का घर कितना दूर है। मम्मी पूछते मामा का कितना, भांजा पूछता है, मम्मी बोलते वहां जो दिया दिखता है ना इतना। ज्ञान कितना? अरे बोलो आत्मा कितना? जितना ज्ञान आदान आन प्रमाणम, आत्मा ज्ञान प्रमाण है, उसमें सब कचरा निकाल दिया। जैसे समय सार के परिशिष्ट अधिकार में आत्मा को ज्ञान लिखा, अब आत्मा को ज्ञान मात्र व्यपदेश करने में आता है, माने आत्मा को ज्ञान मात्र उपदेश देने में आता है। तो वहां प्रश्न किया कि इसमें तो एकांत हो जाएगा, ओनली ज्ञान तो एकांत हो जाएगा। तो वहां बोला कि एकांत नहीं होता है, क्यों? कि ज्ञान मात्र कहा ना तो अस्थिनाशी अनेकांत आ गया नंबर एक, क्योंकि आत्मा ज्ञान मात्र है तो राग रूप नहीं है, कर्म रूप नहीं है, कषाय रूप नहीं है, मनुष्य रूप नहीं है, तो वो कचरा निकाल दिया, बराबर। और ज्ञान के साथ अनंत गुण तो है ही, तो ज्ञान ज्ञान रूप है, राग रूप नहीं, तो अस्थिनाशी अनेकांत आ गया। और ज्ञान के साथ अनंत गुण तो विद्यमान है ही, तो वो भी अनेकांत आ गया। ऐसे वहां सिद्ध किया है। ऐसे आत्मा के कितना? अरे बोलो ज्ञान प्रमाण, जितना ज्ञान इतना आत्मा। ज्ञान कितना? नहीं अभी अभी ज्ञान को देखते, आत्मा कितना, ज्ञान जितना। अभी ज्ञान कितना, भगवान का केवल ज्ञान कितना? नानम ने प्रमाणम दिट्ठम, ज्ञान गे प्रमाण है, ज्ञान गे प्रमाण है, ज्ञान ज्ञान गे प्रमाण है। गे प्रमाण माने वो ज्ञान को गे की अधीनता नहीं है, वो ज्ञान को गे की अधीनता नहीं है, लेकिन ज्ञान बताए कैसे? जैसे एक कपड़ा है, ये कितना कपड़ा है, तो उसको बताने के फुट या मीटर की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? अरे पड़ेगी नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। लेकिन एक कपड़े को, जैसे दो फुट का तीन फुट का कपड़ा है, उसको फुट की अपेक्षा है? अरे है नहीं है। ऐसे आत्मा के ज्ञान को बताने के लिए गे के माध्यम से उसको बताया जाता है, लेकिन ज्ञान को अपने होने में गे की कोई आवश्यकता नहीं। अरे वो तो समयसार की छठी गाथा में निकाल दिया, गे से ज्ञान हो, गे से ज्ञान मानना और गे का ज्ञान मानना वो अशुद्धता है। क्या बोला? गे से ज्ञान मानना और गे का ज्ञान मानना वो गे कृत अशुद्धता है, और ज्ञान में गे कृत अशुद्धता होती नहीं है। गे से समझाया जाता है, देखो
धर्म द्रव्य की परिभाषा कौन बोलेगा? धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? लेकिन अभी सुन लो, आप शर्त है उसमें जीव प्रतिगल की बात नहीं आनी चाहिए। बोलो कौन बोलेगा? धर्म द्रव्य की नहीं आती आपको? धर्म द्रव्य की परिभाषा नहीं आती यार? बोलो भैया। अरे धर्म सिंपल प्रश्न है, बच्चों का प्रश्न पूछा है आपको, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? लेकिन उसमें जीव पुद्गल का नाम नहीं आना चाहिए। कोई बात नहीं, चलो अधर्म द्रव्य की बोलो। कोई बात नहीं, आकाश की बोलो। चलो आकाश की बोलो। लक्षण नहीं पूछा, परिभाषा पूछिए। मेरे को मालूम था, मैं इधर आता हूं तैयार होके आता हूं। हाँ, मैंने अवगान हेतु तो गति हेतु तो लक्षण नहीं पूछा, मैंने परिभाषा पूछी है। जीव पुत्र का नाम नहीं बोलोगे आप, उसके बिना परिभाषा बताओ। है स्वयं निष्क्रिय, सभी सर्वे निष्क्रिय है ऐसे देखे तो। वो भी अधम द्रव्य कहां चलता है? वो भी निष्क्रिय है, गमन की अपेक्षा तो वो भी निष्क्रिय है, आकाश भी निष्क्रिय है। अरे बोलो, जैसे धर्म अधर्म आकाश काल की परिभाषा बिना अन्य द्रव्य के सापेक्ष आप नहीं कर सकते, ऐसे ज्ञान को ज्ञान माने धर्म अधर्म द्रव्य को जीव पुद्गल की अपेक्षा नहीं है, धर्म के होने में जीव पुद्गल की अपेक्षा नहीं है, लेकिन उसकी परिभाषा बताने में धर्म धर्म की माने जीव पुद्गल की अपेक्षा लेनी ही पड़ती है। ऐसे ज्ञान स्वयं से है, अभी आपका चलेगा 16 नंबर की गाथा में स्वयंभू शब्द आएगा, ज्ञान स्वयंभू है माने कोई निरपेक्ष है, अन्य कहां की अपेक्षा ही नहीं है, गे है तो ज्ञान है ऐसी अपेक्षा नहीं है। लेकिन ज्ञान को बतावे कैसे? ज्ञान को बतावे कैसे? तो गे के माध्यम से उसकी माने पहचान की जाती है, लेकिन उसके स्वयं के होने में गेयों की कोई अपेक्षा आवश्यकता होती नहीं। ज्ञान ज्ञान से है, गे गे से। आदानान प्रमाणम, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। वास्तव में तो इतना पढ़ लेना, आगे की पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पंडित साहब आत्मा ज्ञान प्रमाण पढ़ लिया ना, मैं हम जब छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे तो 15 अगस्त को पुलिस स्टेशन माने सबको ले जाते परेड, वहाँ परेड लगती थी और वहाँ फिर बच्चों को गेम खिलाते थे। तो वहाँ एक गेम ऐसी थी कि ऐसे 8-10 टेबल रखते थे और उसमें कटोरा सबके ऊपर रखते थे और कटोरा में आटा रख देते थे और इसमें अंदर एक कॉइन रख देते थे और सबको ऐसे हाथ पीछे करके दौड़ के वहाँ जाना, फिर ऐसे आपको फूंक लगाना और फूंक लगा के आटा उड़ाना और कॉइन उसमें से लेना और जो पहले लेके आएगा वो विनर। बराबर, सिंपल गेम है, आप घर जाके करना ट्राई, सिंपल गेम है बराबर। अभी डॉक्टर साहब आप गए और पहली फूंक लगाई और कॉइन आपके मुंह में आ गया, बाद में क्या करना? नहीं, बाद में क्या करना, पहली फूंक में कॉइन आपके मुंह में आ गया, बाद में बाकी का आटा उड़ाओगे आप? अरे उड़ाओगे, अरे आपका काम हो गया, पहली फूंक में आपका काम हो गया, ऐसे पहले चरण में ही आपका काम हो गया कि आत्मा, अरे बोलो, ज्ञान प्रमाण है। पूरा कचरा निकाल दिया, मैं वक्ता हूं, मैं सोता हूं, मैं फलाना हूं, मैं सेठ हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं मंत्री हूं, ये मंदिर का संचालक, भैया कौन? विजय जी का आप? बोलो पदम जी, पदम जी बोले के जो बोलो फंसोगे। हाँ, अरे संचालक नहीं हो, आत्मा आत्मा सब बोलते हैं भैया, आपकी एसिस्ट, ये हमारा कहां जो अभी वहां गए थे पदम पहाड़िया और बाहर लिखा है वैभव, वैभव लिखा है एमजी रोड 45, एमजी रोड का है 584। वो कैसे भूल जाते हो, समय सार की गाथा याद नहीं रहेगी आपको। हाँ, जो वैभव अपना नहीं है, जो वैभव अपना नहीं है
उसको तो अपना वैभव मानता है, और जो अपना वैभव है आपको मालूम है समय सार की 47 शक्ति ऊपर गुरुदेव जी के प्रवचन है, और उसका नाम क्या लिखा है? आत्म वैभव। क्या लिखा है? तो तुम्हारा वैभव ये है। देखेंगे, टाइम हो गया अपना, अभी अनाउंसमेंट भी करना है ना। नहीं, अनाउंसमेंट करना सबको देरी होती है ना। इतना हो गया अपना जो काम गोल करना था कि आत्मा कितने प्रमाण, अरे बोलो ना, कम ना ज्यादा। रत्नाकर साहब का चरण सिंह एक श्लोक है, अन्यूनम अतिरिक्तम यथा तथ्यम विना च विपरीतात्। अधिक भी नहीं, कम भी नहीं, विपरीत भी नहीं, जैसा है वैसा। तो आत्मा कितना प्रमाण,